नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MBPS News में। एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने 2014 और 2024 में भारत की आर्थिक रैंकिंग की तुलना करते हुए तालिका ट्वीट की है, जिसके मुताबिक 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। फोन प्रोडक्शन में भारत 12वें से दूसरे और स्टील प्रोडक्शन में 4थे से दूसरे स्थान पर पहुँचा है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 4 से बढ़कर 100 प्लस हो गए हैं। वहीं सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी, जो 1 अगस्त 2022 से प्रभावी है। इससे 1.10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता KS ईश्वर रप्पा ने शुक्रवार को शिवमोगा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ईश्वर रप्पा अपने बेटे कई कंटेश को हावेरी लोकसभा सीट से टिकट न मिलने पर नाराज थे। माना जा रहा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे व सांसद विवाई राघवेंद्र को बीजेपी ने शिवमोगा से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे थे। राहुल ने कहा, चुनावी बॉन्ड स्कैम से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी बीजेपी की सरकार बदलेगी और इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर द्वारा उनकी तुलना MS धोनी से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। जुरेल ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, शुक्रिया गावस्कर सर, लेकिन मैं कहूंगा कि धोनी सर ने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। एक ही धोनी था, है और रहेगा। धोनी सर लेजेंड हैं, मुझे बस ध्रुव बनना है। सुयश शर्मा समेत अन्य खिलाड़ियों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिनमें खिलाड़ी IPL 2024 की तैयारी शुरू करने से पहले मैदान पर पूजा करते दिख रहे हैं। KKR ने लिखा, सही तरीके से सीजन की शुरुआत। KKR 23 मार्च को IPL 2024 के पहले मैच में SRH का सामना करेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, गलत और अनावश्यक CS को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के लागू होने अमेरिका की टिप्पणी, इस पर हमारी बारीकी नजर है को लेकर कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह गलत और अनावश्यक है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उड़ीसा की 147, सिक्किम की 32, अरुणाचल प्रदेश की 60 और आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उड़ीसा में बीजू जनता दल BJD की सरकार है, यहाँ भाजपा सीधे मुकाबले में है। नवीन पटनायक यहाँ साल 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी आज तय होंगी। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है, 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी फेज में 19 मई को वोटिंग हो सकती है। 23 मई को रिजल्ट संभव है।